हेलो एंड वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। तो आज मैं साइट पे आपको दिखाऊंगा कि हमने एक ट्रेपेजोइडल जो हमारी राफ्ट है उसका जो स्टील है वो हमने बांधा है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि साइट पे जब आप काम करते हो तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पे जब हम राफ्ट के लिए एक्सकवेशन कर रहे थे तो आपने देखा यहाँ पे एक पब्लिक हेल्थ का सीवर था, जो सीवर जो जेसीबी के से टूट गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके टूटने से पूरे में पानी जो है वो सीवर का पूरी नीचे हमारी एक्सकवेशन किए हुए में पानी आ गया। और ऊपर आप देख रहे हो ये एक जो पब्लिक हेल्थ की जो वाटर सप्लाई लाइन है वो भी ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे हमने ऐसे ये देख रहे पूरी एक्सकवेशन हमारी चल रही थी और बीच में पाइप टूट गया। तो हमें क्या करना पड़ा, इससे पीछे वाला जो मैन होल था वहाँ पर हमने दो बड़े बड़े मोटर लगाई और उनको पानी को हम निकाल के ड्रेन में डाल रहे हैं साइड में, और उस पानी को हमने वहीं पर रोक दिया। और यहाँ पे हमने आगे ये मैन होल दोबारा हम नहीं बना रहे हैं ताकि हम इसको जोड़ सकें। ये जो आप देख रहे हो सबसे पहले हमें यही करना पड़ा, इससे इसके बाद हम ये राफ्ट की खुदाई करी। अब ये देख रहे हो आप जो डिज़ाइन, ये ट्रेपेजोइडल डिज़ाइन है राफ्ट का। तो यहाँ पे जो हमारी सॉयल है वो हमारी ग्रेवल्स है नीचे। तो ये जो आप देख रहे हो ऊपर ये पियर कैप बनेगी, यहाँ पे पियर डलेगा, पियर कैप डलेगी ऊपर। और ये जो नीचे का डिज़ाइन है बड़ा ही मान ले कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है थोड़ा। यहाँ पे जो है वो स्टील को बांधना बहुत मुश्किल होता है। तो इस राफ्ट के अंदर हमने डिफरेंट साइज़ का जो स्टील है वो यूज़ किया है, और इसको जो इसकी बाइंडिंग स्टील की काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि यहाँ पे नीचे हाथ डालना और इसको बांधना थोड़ा मुश्किल रहता है लेबर के लिए। तो ये जो इसकी कास्टिंग के लिए तैयार है अब जो राफ्ट है, इसकी राफ्ट की कास्टिंग के बाद हम इसमें पियर कैप का जो स्टील है उसको बांधेंगे और उसके बाद फिर इसको कास्टिंग करेंगे। तो इसका डिज़ाइन है जो इसकी ड्राइंग है वो मैं आपको दिखा दूंगा कि पूरे डिटेल में कहाँ पे हमने किस तरह का सरिया यूज़ किया है, कहाँ पे हमने इसको कैसे शेप में इसको मोड़ा है, वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पता लग जाएंगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ड्राइंग भी इसकी दिखाऊँ तो मैं आपको वो ड्राइंग भी दिखा दूँगा। इसके बाद हमारे पास आगे काफ़ी तरह की हमारे पास और कंस्ट्रक्शन है, जैसे हम पियर कैप डालेंगे और पियर डालेंगे। एक्चुअली एक ब्रिज का डिज़ाइन है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।